हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 CBSE बीहाइव का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट ले रहे हैं मारिया शारापोवा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वॉज बेयरली 18। एक रशियन लड़की जिसका नाम मारिया शारापोवा था, वो जब मात्र यानी मुश्किल से 18 साल की थी, टेनिस में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक उसने ली। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। जैसा कि अब आप उसके बारे में पढ़ोगे, अब आप अगर उसमें कंपैरिजन कर सकते हो उसके बीच में और संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? जिसकी स्टोरी अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, ठीक है? जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, वो मैं लिंक दोबारा से मैं इस वाले यूट्यूब वीडियो में दोबारा से डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज यू रीड, लुक फॉर द आंसर टू दीज क्वेश्चन। जैसे आप पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन को देखिए। वाई वॉज मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स? मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया? वाई डिंट हर मदर गो विद हर? उनकी मम्मी उनके साथ क्यों नहीं गई? वॉट आर हर हॉबीज? वॉट डज सी लाइक? उनकी हॉबीज क्या हैं और उन्हें क्या क्या पसंद है? वॉट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग? और ऐसा क्या है जो मारिया शारापोवा को हमेशा मोटिवेट रखता है आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए? चलिए पढ़ते हैं। देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। कुछ ऐसा है मारिया शारापोवा के बारे में जो कुछ उसकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं वो ऐसी लगती है कि इतनी प्यारी सी बच्ची, इतनी कोमल सी नाजुक सी बच्ची, और उधर वो जब टेनिस खेलने आती है तो इतना ज़बरदस्त टेनिस खेल ली। तो उसकी जो पर्सनैलिटी और टेनिस, ये दोनों ना मेल नहीं खाते, थोड़ा सा अजीब लगता है उसे देख के। तो ऐसा लगता है यार बेचारी कितनी पतली सी और नाजुक सी लड़की, ये क्या टेनिस खेलेगी। लेकिन एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन वुमेन्स टेनिस। एक तरफ जो लड़की इतनी प्यारी सी, ऐसी क्यूट सी लगती है, दूसरी तरफ वो ही लड़की 22 अगस्त 2005 को, मंडे का दिन था उस दिन, सोमवार का, उसने टेनिस में वर्ल्ड में कौन सा नंबर बना लिया अपना? नंबर 1। शी वॉज ऑन द टॉप। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब उसने ना के बराबर टाइम में कर दिया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर्स एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल। अगर सालों की बात करी जाए तो इस साइबेरियन बॉर्न टीनेजर ने मुश्किल से 4 साल का टाइम लिया एज अ प्रोफेशनल में इतने इस टॉप पर पहुंचने के लिए। मतलब पूरे संसार भर में नंबर 1 बनने के लिए उस साइबेरियन टीनेजर ने मुश्किल से 4 साल का टाइम लिया। अब देखिए यहां पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें मारिया शारापोवा को दिखाया गया है। मारिया शारापोवा वन द विमेन सिंगल्स एट विम्बल्डन इन 2004। 2004 में उन्होंने विम्बल्डन खेला होगा तो उसकी एक शील्ड के साथ वहां पे उन्होंने जीता था। हाउ एवर द रैपिड असेंट इन द फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 ईयर्स बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बस ये सफलता इन 4 सालों में ले ली। अगर असली सफलता की बात करी जाए तो इसकी तैयारी 9 साल पहले शुरू हुई थी, जब उन बच्चों की तरह जो बच्चे अपने सारे सपनों को छोड़ के कुछ दूसरा करने की तैयारी में अपने सारे सपनों को छोड़ देते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो हमें बताया जा रहा है कि लिटिल मारिया ने अभी तक 10वां बर्थडे भी नहीं बनाया था अपना, यानी कि अभी वो पूरी तरह से 10 साल की भी नहीं हुई थी जब उन्हें पैक करके कहाँ जाना पड़ा? ट्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन टू द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। और वहीं से, उस ट्रिप से जो ट्रिप उन्होंने अपने पापा यूरी के साथ लिया था, वहीं से उनका जो सफलता की राह है वो शुरू हो गई स्टारडम की। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन खाली ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती रहीं। इस कामयाबी के लिए उन्हें अपनी माँ से 2 साल तक अलग भी रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरियन बिकॉज ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन। और बाद में ऐसा हुआ कि उसे वहाँ पे साइबेरिया लौटना पड़ा क्योंकि वीज़ा की वजह से। क्योंकि जब वीज़ा लगाते हैं हम किसी दूसरे जाने देश में जाने के लिए, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप 2 हफ्ते के लिए रह सकते हो, 4 हफ्ते के लिए रह सकते हो, तो उसे दोबारा से वहाँ पर लौट के आना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइज।
और इस छोटी सी उम्र में ही उस 9 साल की बच्ची को ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि जो एक्सीलेंस आएगा, जो सफलता मिलेगी, उसका एक प्राइस देना पड़ता है। प्राइस का यहाँ मतलब है बच्चों, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। ये उस बात, ये वाली बात उस 9 साल की बच्ची को समझ में आ चुकी थी। अब वो देखो क्या बताती है अपने बारे में। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं बिल्कुल अकेली थी, वो याद करती हैं, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पापा जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ज़्यादा काम कर रहे थे ताकि जो मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे। क्यों? क्योंकि भाई टेनिस की अगर ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, कोच का पैसा जाएगा, अकेडमी का पैसा जाएगा, रहने का पैसा जाएगा। तो उसके पापा को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था ताकि उनकी बच्ची कर पाए, ताकि वो जो पैसा हो वो उसके लिए खर्च कर पाए। सो ही कुडंट सी मी ईदर। तो मेरे पापा भी मुझसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो लगभग मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM। और जो बड़े जो बच्चे थे, जो दूसरे लोग थे जो टेनिस की तैयारी कर रहे थे, वो करीबन रात को 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और क्योंकि उस टाइम मुझे रूम शेयर करना पड़ता था तो वो आते थे और मुझे सोते हुए को उठा देते थे और मुझसे कहते थे कि रूम साफ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिंड एंड मेंटली टफ। लेकिन इन सब चीज़ों को भी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि मैंने इन सब चीज़ों को अपना हथियार बना लिया और मैं और ज़्यादा मेंटली टफ हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने सीखा कि मैं अपने आप अपनी सुरक्षा या अपना ध्यान कैसे रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। और मैंने कभी एक भी बार, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं हुई, मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने हार नहीं मानी। कभी भी मैंने ये नहीं छोड़ा कि मैं छोड़ दूंगी टेनिस, नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था मैं आखिर चाहती क्या हूँ। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिंड। अब देखो मारिया शारापोवा यहाँ हमें क्या कहती हैं, जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था और अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये जो सर्कमस्टांस है आपको और ज़्यादा हंग्री, हंग्री से मतलब यहाँ पे फूड वाले हंग्री से नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि वो आपको गोल की तरफ और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप वो अपना गोल लेके रहूंगी। एंड डिटर्मिंड, वो आपको डिटर्मिंड बनाती हैं। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। ऐसा नहीं है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर मुझे इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता, इससे भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती, तो भी मैं अपने जो मेरा सपना था टेनिस में नंबर वन बनने का, मैं कभी भी उस पर गिव अप नहीं करती, कभी भी मैं छोड़ती नहीं। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और आज भी मारिया के अंदर वो टफनेस आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैकिंग द वीमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विमल्डन इन 2004 एंड टू हर मेट्रियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और ये ही जो टफनेस थी, इसी की वजह से वो 2004 में जो क्राउन जीत पाई विमेन सिंगल्स का विमल्डन 2004 में, और उसी के अगले साल यानी 2005 में उसने नंबर वन का खिताब भी हासिल कर लिया। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, फॉर द यंगस्टर्स हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। हालांकि वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ, क्योंकि जहाँ साइबेरिया से आई थी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, टू द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। अब क्योंकि वो एक छोटी सी जगह से जहाँ से आई थी और यहाँ पर उसने प्रैक्टिस करके फाइनली नंबर वन पर जब उसने अपना प्लेस बना लिया, तो जो उसके जो टेनिस फैंस होते हैं, अब जैसे आप जानते हो विराट कोहली है, अब विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब वो कैप्टन भी बन चुके हैं, तो हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इनकी फैन फॉलोइंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट। पर इस ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनके लिए सेंटीमेंट्स मतलब भावनाओं वगैरह में बहने वाली ये नहीं है, इन सब चीज़ों का इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स When asked about her ambition, make it amply
एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर द सेक्रीफाइसेज वर वर्थ इट. और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं और जिस तरह से वो आंसर देती हैं, तो उस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में सेक्रीफाइस किए हैं वो बिल्कुल ज़रूरी थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की वो सेक्रीफाइस करके. अगर वो सेक्रीफाइस ना करती तो आज वो इस पोजीशन पे ना आ पाती. आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग रखती हूँ और मैं बहुत कठिन परिश्रम करती हूँ. इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है. दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनका मंत्र है सफलता का. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट. हालांकि जो मारिया शारापोवा हैं जब बात करती हैं तो अमेरिकन वाला एक्सेंट यूज करती हैं. शी प्राउडली परेज हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन वो प्राउडली कहती हैं भले से मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हूँ लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ रशिया को. क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन. सारी डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है मैं पूरी तरह से रशियन हूँ. इट्स ट्रू दैट यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. हालांकि ये सच है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो मेरा जीवन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, उससे मुझे बहुत कुछ मिला है. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन अगर मैं नागरिकता की बात करूँ तो मैं नागरिक हूँ कहाँ की? रशिया की. माई ब्लड इज़ टोटली रशिया. मेरे रगों रगों में रशिया का खून बहता है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. अगर रशिया चाहेगा तो मैं रशिया के लिए क्या खेलूंगी? ओलंपिक्स खेलूंगी रशिया के लिए. जैसे आप शायद जानते होंगे जो सानिया मिर्जा हैं, भले से उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली लेकिन आज भी वो इंडिया की तरफ से खेलती आ रही हैं. ठीक है, तो जो प्रॉपर जो वो रिप्रेजेंट करती हैं वो इंडिया को करती हैं. तो वो इसी तरह से ये भी यहाँ कह रही हैं कि भले से यूएस ने मुझे बहुत कुछ दिया हो, अगर रशिया चाहेगा तो मैं उन्हीं के लिए ओलंपिक खेलूंगी, यूएस के लिए नहीं. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज. क्योंकि वो काफ़ी छोटी हैं और टीनेज सेंसेशन की तरह, ऐसा नहीं है कि मारिया शारापोवा को केवल बस टेनिस से लगाव है. उन्हें फैशन करना भी अच्छा लगता है, गाना गाना भी अच्छा लगता है, डांस करना भी अच्छा लगता है. शी लव्स रीडिंग द नॉवल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. और उन्हें नॉवल्स पढ़ना बहुत पसंद है, स्पेशली कि इनके आर्थर कॉनन डॉयल के. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. देखो, जैसा कि शुरुआत में भी कहा गया था, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं कि ये इतनी टफ प्लेयर होगी, ये नंबर वन है. अब कभी कभी वो क्या पहनती हैं? इवनिंग गाउन्स पहनती हैं. और उन्हें क्या खाना बहुत पसंद है? पैनकेक्स खाना बहुत पसंद है जिस पे चॉकलेट मेल्ट करके पड़ी हो, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स जो जिनमें झाग झाग वाली जो ऑरेंज ड्रिंक्स होती हैं वो उन्हें बहुत पसंद है. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. अब मारिया शारापोवा को कैटेगराइज करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. उन्हें कैटेगराइज कभी तो लगता है कि वो बहुत टफ हैं, कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, कभी कुछ लगता है. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और उनकी जो ये प्रतिभा है और उनकी जो डिज़ायर है, इच्छा है, हमेशा सेक्रीफाइस करने वाली, सेक्रीफाइस के लिए हमेशा रेडी रहने वाली, इसी इन सभी कारणों की वजह से वो वर्ल्ड में अपना स्थान नंबर वन ला पाई हैं. फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेज शी इज नाउ रीपिंग. अब कुछ लोगों को उनसे जलन भी हो सकती है क्योंकि अब वो काफ़ी अमीर हो गई हैं भैया, अब उनके पास बहुत पैसा है. दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. अब वो उसके बारे में क्या जवाब देती हैं वो सुन लेते हैं. ऑफकोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. हाँ, सही बात है, मुझे पैसा प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, पैसे आने से मैं और मोटिवेट होती हूँ. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. टेनिस एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड. लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है दुनिया में नंबर वन टेनिस प्लेयर बनना. दैट्स द ड्रीम दैट कैप्ट मी गोइंग. और यही जो मेरा सपना था शुरू से लेकर और आज भी, इसी सपने ने मेरे जितने भी जो मेरे एफर्ट्स थे, जो मेरे सेक्रीफाइस थे, इसी वजह से मुझे आगे बढ़ाए रखा. इसी वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया. सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो पार्ट है समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इंग्लिश बाबा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.